एक मई मजदूर दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति के सदस्यों ने शंकर गुहा नियोगी चौक से बाइक रैली निकालकर दुर्ग के श्रम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि एक मई श्रमिक दिवस होने के बाद भी छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को उस दिन छुट्टी नहीं मिल पाती है। एक मई को भी उनको काम के लिए बुलाया जाता है। इन्हीं मांगों को लेकर एक मई मजदूर दिवस के दिन उन्होंने रैली निकालकर मजदूर को मिलने वाले अधिकार की मांग की। ये आज एक मई मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस के दिन मजदूरों को अधिकार नहीं मिलता। मजदूर दिवस के दिन मजदूरों को काम पर लगाया गया है। मजदूर दिवस के दिन हम इस मांग को लेकर के आए हैं कि आज मजदूरों को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। जिस देश के अंदर मजदूर दिवस मनाया जाता है उस मजदूरों का हालत बद से बदतर है। उनका बोनस नहीं, उनका PF नहीं, उनका ESI नहीं, यहाँ तक के न्यूनतम वेतन में कटौती की जाती है। खास तौर पे यहाँ दुर्ग जिला के अंदर जो निगम है, खास तौर पे रिसाली हो चाहे भिलाई हो, मजदूरों का वेतन जो है पूरी तरीके से काट दिया जाता है। खास करके रिसाली निगम जो नया बना है वहाँ का जो मजदूर है बेतहाशा परेशान है, खासा परेशान है, क्योंकि वहाँ पर न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता और PF और ESI का तो कोई ठिकाना नहीं है। पूरा घोटाला ही घोटाला है, फिर भी सरकार कहती है कि हम विकास कर रहे हैं। पता नहीं किसका विकास कर रहे हैं। मांग पूरा नहीं होगा तो ये बड़ी आंदोलन होगी और इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ के जितना भी निगम है, नगरीय निकाय है, सारे नगरीय निकायों के मजदूर एक साथ होकर के आंदोलन कर